नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्रेडिएंट्स इनसाइड में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी नया मेडिकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है डीके, मैं हूं एक रिसर्चिंग फार्मासिस्ट मुंबई। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ प्रॉबली द मोस्ट मैं समझता हूँ एंटिसिपेटेड या प्रॉबली मेडिकेटेड सनस्क्रीन्स में सबसे बेस्ट ब्रांड सनक्रॉस सनस्क्रीन्स। आप सनक्रॉस ओल्ड यूज़ करते होंगे जो रैनबैक्सी कंपनी लाई थी, लेकिन अभी सन फार्मा ने रैनबैक्सी को टेक ओवर करने के बाद सनक्रॉस का रेंज काफ़ी बढ़ गया है और टेक्नोलॉजी में और दवाइयों के रिसर्चिंग में काफ़ी सारा और सुधार होने के बाद सनक्रॉस का रेंज और भी बढ़ चुका है। पहले सिर्फ सनक्रॉस लोशन आता था, ये वाला SPF 26 वाला। अब हमारे पास है सनक्रॉस सॉफ्ट, सनक्रॉस टिंट और है हमारे पास सनक्रॉस एक्वाजेल। अब इन चारों में से आपके लिए कौन सा सही रहेगा, क्या है इनके इफ़ेक्ट्स, क्या है इनके साइड इफ़ेक्ट, कौन सा आपको ख़रीदना चाहिए, कौन सा आपको नहीं ख़रीदना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। चार प्रोडक्ट्स का एक साथ रिव्यू हो रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ठंडे दिमाग से शांति से सारा रिव्यू समझ लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से जो आपको सनक्रॉस अच्छा लगे वही जाके खरीदिएगा ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ, सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे सनक्रॉस प्लेन लोशन जो जूना है और पहले से आ रहा है। सनक्रॉस प्लेन लोशन SPF 26 है, जो प्लेन लोशन है ऐसे ब्लू कलर की पैकेजिंग में आ रहा है। मेरा कैमरा जूम नहीं ले रहा है, मेरा कैमरा फोकस नहीं ले रहा है, नहीं तो आप देख सकते होंगे ये SPF 26 में आता है और ये UVA और UVB दोनों से आपको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जिंक ऑक्साइड डाला है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन घटाता है। इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो ऑक्सीटॉन्सेक्सेट और एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन और जिंक ऑक्साइड लोशन। तो ऑक्सीटिनॉक्साइड UVA को दूर रखता है, एवोबेंजोन UVB को दूर रखता है, ऑक्सीबेंजोन खुद सनस्क्रीन को पकड़ के रखता है। इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से देखा जाए इंग्रेडिएंट्स ओल्ड हैं और जूने इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे भी बेटर इंग्रेडिएंट्स मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 294 रुपीज़ का सनस्क्रीन है जो 100 ml है, अफोर्डेबल सनस्क्रीन में आ जाता है ये। तो इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं जो सनक्रॉस ये वाले लोशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसे थोड़ा लगा के टेस्ट करके देखते हैं। मैंने इसे ले लिया है हाथ में और इसे लगा रहा हूँ। देखिए, अब फ्रेगनेंस की बात की जाए, फ्रेगनेंस बहुत ही धीमी है और बहुत ही अच्छी है, लेकिन स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, अभी तक स्प्रेड नहीं हो पा रहा है। सनस्क्रीन स्प्रेडिंग में बहुत प्रॉब्लम है, ओल्ड टेक्नोलॉजी सनस्क्रीन है और स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है सनस्क्रीन जो सनक्रॉस प्लेन लोशन है। लेकिन श्योरली एक बजट लोशन है और डेली यूज़ जो अगर जैसे ये सनक्रॉस लोशन आप अपने जो हायर बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब जो बॉडी पार्ट्स बाहर एक्सपोज होते हैं धूप में लेकिन बहुत लंबे लंबे हैं, जैसे हमारे हाथ हो गए और हमारा गर्दन हो गई और हमारे पैर हो गए, तो आप ये लोशन आप यहाँ पर हाथों में नॉल लगा सकते हैं होलसेल में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको सन से प्रोटेक्शन मिलेगा आपके हाथों को, आपके आर्म्स को, आपके नेक को, आपके पैरों को। अगर आपका पैर भी पूरा खुला हुआ है, अगर आप शॉर्ट्स या स्कर्ट्स भी पहनते हैं तो फिर जो पैर एरिया है वो आप ये वाला जो सनक्रॉस का लोशन है होलसेल में लगा सकते हैं, आपको ज़्यादा तो स्पेंड नहीं हो रहा है, लेकिन ये श्योरली उन्हीं बॉडी पार्ट्स के लिए यूजेबल है सनक्रॉस का प्लेन SPF 26 लोशन। अब सनक्रॉस सॉफ्ट की तरफ जाते हैं। सनक्रॉस सॉफ्ट इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो साइक्लोपेंटासेलोक्सेन एक वाटर प्रूफ इंग्रेडिएंट है और UVA को दूर करने का काम करता है। जिंक ऑक्साइड एज यूजुअल माइक्रो आयोनाइज्ड जिंक ऑक्साइड है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और है C12C15 अल्काइल बेंजोएट, UVB को दूर करने का काम करता है। डायमेथिकोन क्रॉस पॉलीमर सनस्क्रीन को चिपकाए रखने का काम करता है। कैप्रिलिल मेथिकोन एज यूजुअल सनस्क्रीन को चिपकाए रखने का काम करता है। आइसोस्टेरिक एसिड वाटर प्रूफिंग देता है, पानी में सनस्क्रीन को निकलने नहीं देता है। और PEG है, टोकोफेरॉल एसिड है, थोड़ा सा विटामिन ई डाला गया है ताकि स्किन थोड़ी मॉइस्चराइज रहे।
तो ये सनक्रॉस सॉफ्ट है जो ऑलमोस्ट SPF मैं समझता हूँ 50 है और वाटर रेजिस्टेंट है, 8 आवर्स तक वाटर रेजिस्टेंस है इसका, और ये UVA और UVB दोनों को दूर रख सकता है, और ये पैराबिन फ्री है। यस, ये पैराबिन फ्री है, तो पैराबिन फ्री सनस्क्रीन। और फूड आप देख सकते होंगे, आई होप कैमरा फोकस ले ले, ये फूड में आता है, ये देखिए ये फूड में आता है, मतलब इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे फूड बेस हैं, तो केमिकल बेस नहीं है, और बहुत ही अच्छा है सनक्रॉस सॉफ्ट फेस एरिया के लिए, स्पेशली फेस एरिया के लिए बहुत ही अच्छा है सनक्रॉस सॉफ्ट, जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है, और ये सील्ड है, इसे थोड़ा यूज़ करके देखते हैं तो हमको पता चलेगा कि इसका एब्जॉर्बिंग पावर क्या है। एक सेकेंड, ये मैंने थोड़ा सा सनस्क्रीन ले लिया और जल्दी से लगा लिया। आप देख सकते हैं सनस्क्रीन लगाते ही फटाफट एब्जॉर्ब हो गया, स्किन ने इसे लॉक कर लिया है। प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट एब्जॉर्बिंग सनस्क्रीन, ड्राई सनस्क्रीन, चिपचिप नहीं है, स्किन ने जल्दी लॉक कर लिया, ऑयली नहीं है, और आपका जो फेस है वो ऑयल नहीं छोड़ेगा, जल्दी से जल्दी ये सनस्क्रीन एब्जॉर्ब ही हो गया, वाटर रेजिस्टेंट है, तो मतलब आप इसे स्विमिंग में भी लगा के जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये बेबीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, 6 मंथ से ओल्डर लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन इन द मार्केट इस सनक्रॉस सॉफ्ट, अच्छा सनस्क्रीन है, और SPF 50 भी है, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो जेल है, जेल फॉर्मेशन में है, तो सनक्रॉस सॉफ्ट मैं प्रेफर करूँगा, सनक्रॉस सॉफ्ट फॉर द फेस एरिया, ये जो हमारा फेस एरिया, कान और ये सब, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सनक्रॉस सॉफ्ट लगाइएगा। हाथों को, पैरों को होलसेल में अगर कुछ सनस्क्रीन लगाना है तो फिर सनक्रॉस का लोशन लगाइए। नाउ लेट्स गो टू सनक्रॉस टिंट, दिस इज सनक्रॉस टिंट। अब सनक्रॉस टिंट IR, अब सनक्रॉस सॉफ्ट आप देख लीजिएगा, सनक्रॉस सॉफ्ट में आपको आई होप सो कैमरा मेरा फोकस ले, एक सेकेंड, हाँ सनक्रॉस सॉफ्ट आप देख सकते हैं UVA और UVB से प्रोटेक्शन दे रहा है। अब सनक्रॉस टिंट की बारी है, सनक्रॉस टिंट के बारे में आप पढ़ सकते होंगे, एक सेकेंड, हाँ ये IR मतलब IR रेडिएशंस, UVA, UVB और विजिबल लाइट प्रोटेक्शन, 4 तरीके की लाइट से हमको प्रोटेक्ट कर रहा है सनक्रॉस टिंट। IR मतलब इंट्रा रेडिएशंस, IR लाइटिंग जो धूप से निकलती हैं और जो हमारे ट्यूब लाइट्स से निकलती हैं, IR रेडिएशन, धूप से निकलने वाला UVA, धूप से निकलने वाला UVB उससे बचाने का काम कर रहा है, और लाइट प्रोटेक्शन, विजिबल लाइट प्रोटेक्शन इन द सेंस जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो सारा दिन ऑलमोस्ट जो इतनी सारी लाइटिंग्स में शूट्स करते हैं, बहुत सारी शूटिंग्स करते हैं, तो उन वो जो लाइट्स रहती हैं वो भी अल्ट्रा वायलेट लाइट्स ही रहती हैं, और वो भी हमारे स्किन को काफ़ी डैमेज करती हैं, वो भी धूप की ही किरणें रहती हैं, जो हमारे घर में लाइट्स जलती हैं, ट्यूब लाइट्स रहती हैं, और जो शूट्स या शूटिंग्स करते समय जो लाइट्स रहती हैं वो भी धूप की किरणों की तरह ही काम करती हैं, वो भी UV लाइट्स छोड़ते हैं, तो उनसे भी बचाने के लिए सनक्रॉस टिंट बनाया गया है। तो सनक्रॉस टिंट सबसे सुपीरियर प्रोटेक्शन देता है। आप इसे अनबॉक्स करके देखते हैं कि कैसा लगता है। ये ऑलमोस्ट 724 रुपीज़ MRP का आता है 50 ग्राम्स। बहुत ही एक्सपेंसिव साइट का सनस्क्रीन है ये, लेकिन सिर्फ जो बहुत बड़े बड़े सेलेब्स हैं या जिसकी काफ़ी बिजी लाइफ है उन्हीं को प्रिस्क्राइब किया जाता है सनक्रॉस टिंट। ये आप जेल देख सकते हैं सनक्रॉस टिंट, ये रहा सनक्रॉस टिंट, और इसे थोड़ा खोल के हम थोड़ा टेस्ट कर लेंगे कि इसका एब्जॉर्बिंग पावर क्या है। ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ ये, इसकी फ्रेगनेंस थोड़ी सी फ्लावर टाइप है और थोड़ा फाउंडेशन टाइप जेल क्रेम है, जेल क्रेम है तो शायद जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाए। तो मैंने आपके सामने थोड़ा सा लगा लिया है और इसे एब्जॉर्ब, अब एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जल्दी से एब्जॉर्ब हो गया, जल्दी से लॉक हो गया स्किन में। थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन में
तकलीफ़ हो रही है, थोड़ा सा रेसिड्यू मतलब सनस्क्रीन थोड़ा सा कोने में रह जा रहा है, तो ऑल इन ऑल सनक्रॉस टिंट का जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो काफ़ी बीच में है, मतलब जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा सा रेसिड्यू भी रह जा रहा है। अब इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सुपीरियर हैं। सबसे महंगे इंग्रेडिएंट्स सनक्रॉस टिंट में डाले गए हैं जिंक ऑक्साइड जो एक एंटीबायोटिक है, कोको कैपिटल कैपरेट जो एक यूवीए से बचाता है, आइसोस्टेरिक एसिड जो आपको एंटी एजिंग का काम देता है, और डाइमेथिकोन है, वाटर है, ग्लिसरिन एंटी ग्लिसरिन है, विटामिन ई डाला गया है मॉइस्चराइजिंग शिनक्ले, और है साइक्लोपेंटासेलोक्सिन डाला गया है क्रॉस पॉलीमर में, डाइमेथिकोन जो सनस्क्रीन को टाइटली स्किन के साथ पकड़ के रखने का काम करता है, और है मिथाइल सो थायलोसोडोन। तो मिथाइल सो थायलोसोडोन क्या करता है कि आपके जो मैंने आपको बताया जो लाइट्स हैं, जो हाई पावर लाइट्स में जो काम करते हैं, जो ट्यूब लाइट्स या बल्ब्स में काम करते हैं, शूट्स करते हैं जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेस या मॉडल्स, तो उनको इसमें से ये मिथाइल सैलिडोसोन से बचाने का काम करता है, मिथाइल सैलिडोसोन उससे बचाने का काम करता है। तो ऑल इन ऑल जो इन्ग्रीडियंट्स हैं ठीक है, आयरन ऑक्साइड भी डाला गया है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी डाला गया है, दोनों मेजर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो स्किन को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट हैं सनक्रॉस टिंट के, लेकिन 724 रुपीस का सनस्क्रीन है जो यूवीए यूवीबी विजिबल लाइट आईआर सबसे प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, और विजिबल लाइट और आईआर प्रोटेक्शन आज की डेट में ना के बराबर ही सनस्क्रीन्स दे पाते हैं, लेकिन सिर्फ सनक्रॉस टिंट आपको उन दोनों लाइट से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो जो लोग ज़्यादातर शूट्स में रहते हैं, शूटिंग्स में रहते हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जिनको आईआर लाइट्स बहुत परेशान करती हैं, तो सनक्रॉस टिंट उनके लिए बेस्ट रहेगा। सनक्रॉस टिंट नाम याद रखिएगा। अब हम जा रहे हैं सनक्रॉस एक्वाजेल की तरफ। दिस इज़ सनक्रॉस एक्वाजेल। मेरे कैमरा का फोकस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आई होप ये फोकस ले ले बेटा। हाँ, दिस इज़ सनक्रॉस एक्वाजेल। अब एक्वाजेल की बात की जाए, यूवीए यूवीबी से बचाने का काम करता है। दिस इज़ स्ट्रिक्टली फॉर ऑयली स्किन, बहुत ही ड्राई सनस्क्रीन है, और ये एक्वाजेल स्ट्रिक्टली फॉर ऑयली स्किन, जिसका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, पिंपल्स है, उनके लिए एक्वाजेल है, याद रखिएगा। SPF 26 है। और इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो ऑक्सीटोनेट, एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन और जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीटोनेट यूवीए से दूर रखने का काम, और एवोबेंजोन यूवीबी से दूर रखने का काम, ऑक्सीबेंजोन वाटर रेजिस्टेंस देने का काम, जिंक ऑक्साइड एंटीऑक्सीडेंट है स्किन को डैमेज होने से काम, 6 आवर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगाने के बाद सिर्फ 6 घंटा सनक्रॉस एक्वाजेल चलता है, और वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज़ स्ट्रिक्टली वाटर रेजिस्टेंट क्योंकि इन्होंने ऑक्सीबेंजोन डाला है, तो ऑक्सीबेंजोन इज़ वाटर रेजिस्टेंस। तो यूजुअली ये वाला जो सनस्क्रीन है सनक्रॉस एक्वाजेल स्विमर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो अगर आप बीचेस में जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं या कहीं भी ऐसी कंट्री जहां बीचेस है, आप बहुत बीच पे टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो सनक्रॉस एक्वाजेल अपने साथ लेके जाइए। एक्वाजेल सनस्क्रीन ऐसा है कि एक्वा में काम करता है, पानी में काम करता है, और सनस्क्रीन को पकड़ के रखने का काम करता है। ऑक्सीबेंजोन जो इसमें इंग्रेडिएंट है टाइट पकड़ के रखने का काम करता है। यूजुअली सारे सनस्क्रीन निकल जाते हैं पानी में, लेकिन सनक्रॉस एक्वाजेल पकड़े रहेगा आपको, भले आप बीच पे भी खेल रहे हैं या स्विमिंग पूल में भी घंटों बैठे हैं। तो स्विमर्स के लिए, एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा सनस्क्रीन है जिनको पसीने का बहुत प्रॉब्लम है, तो सनक्रॉस एक्वाजेल एथलीट्स के लिए बहुत प्रेफरेबल है। जो भी लोग एथलीट्स हैं, तो जो भी बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं एथलीट्स हैं, तो एक्वाजेल उनके लिए बहुत प्रेफरेबल है। 359 रुपीस का सनस्क्रीन है, और ये ऑलमोस्ट ऐसे डब्बे की पैकेजिंग में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक डब्बे की पैकेजिंग में आता है। अब इसे थोड़ा यूज़ करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा लगा के देखते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा इधर लगा दिया है। एक्वाजेल एब्जॉर्ब करना, एक्वाजेल जल्दी एब्जॉर्ब हो गया। फ्रेगनेंस बहुत धीमी है, फ्लावर फ्रेगनेंस है, तो एब्जॉर्प्शन के मामले में एक्वाजेल इज़ वेरी गुड। जल्दी एब्जॉर्ब हो गया और जल्दी लॉक हो गया। वेरी ड्राई सनस्क्रीन, तो ऑयली स्किन वालों का
तो निकल पड़ा है इसमें, समझ लीजिए बहुत ही ड्राई स्किन सनस्क्रीन है। मतलब ऑयल का तो नामो निशान नहीं है, चिपचिपेपन का तो नामो निशान नहीं है। प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन्स फॉर ऑयली स्किन, और जिनको पसीना बहुत आता है तो आई विल प्रेफर दिस सनस्क्रीन। जिनको पिम्पल्स हैं और जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, और जो एथलीट्स हैं, मतलब स्विमिंग करते हैं, डांस करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, जुम्बास करते हैं, धूप में, बहुत कड़ी धूप में रनिंग करते हैं, रेसिंग करते हैं, तो उनके लिए सनक्रॉस एक्वाजेल, क्रिकेटर्स हैं तो उनके लिए सनक्रॉस एक्वाजेल इज़ प्रॉबली बेस्ट प्रेफरेबल अकॉर्डिंग टू मी। सनक्रॉस एक्वाजेल इज़ बेस्ट फॉर देम। तो अब मैंने आपको चारों सनक्रॉस का रिव्यू दे दिया है कि कौन सा सनक्रॉस क्या काम करता है, कैसे काम करता है, आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या काम करते हैं, आपको कौन सा सनस्क्रीन ज़्यादा सूट करेगा, उस सनस्क्रीन के साथ जाइए, आपको श्योरली सनक्रॉस बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।